हमास का नया मुखिया सिनवार को भी ढेर कर दिया गया है। इसराइल ने उसकी मौत की पुष्टि की है। सिनवार की मौत पर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि इसराइल ने उस व्यक्ति से अपना हिसाब चुकता कर लिया है जिसने होलोकॉस्ट के बाद हमारे लोगों के इतिहास में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम दिया था। दरअसल इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने 16 अक्टूबर को रूटीन ऑपरेशन में सेंट्रल गाजा की एक इमारत पर हमला किया था। इसमें हमास के 3 सदस्यों के मारे जाने की खबर आई। बाद में पता चला कि इनमें से एक सिनवार है। सोशल मीडिया पर इसके फोटो वायरल हुए हैं। दरअसल इसराइल और हमास की जंग की वजह 7 अक्टूबर हमला था। इसमें 1200 इसराइली नागरिक मारे गए थे और तब से दोनों के बीच जंग जारी है।